अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। हम लोग हैं आज जम्मू में, राइट, एंड हम लोग तनवीर भाई के साथ में हैं। जी जी। एंड हम लोग यहाँ की नस्लें कुछ देखेंगे बकरों की। तनवीर भाई, कितने बकरे हैं अपने पास? जी, मेरे पास अपने 150 बकरा भी है। 150 बकरे। तो आप लोग ठंडियों में जम्मू में रहते हैं जी जी। और गर्मियों में कश्मीर चले जाते हैं जी जी। तो ये सारे कश्मीर के ही बकरे हैं जी। कागवानी नस्ल कश्मीर की। कागवानी नस्ल जी जी। ये नस्ल को कागवानी बोलते हैं जी जी। ये लंबे बाल वाली नस्ल है कश्मीरी। इसके बाल भी बहुत काम आते हैं जी जी। लंबे हाइट में आते हैं इसके बाल जी। हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे ग्रेजिंग के रिलेटेड, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और ये मेंढो की नस्ल को क्या बोलते हैं? इसको हम तो अपनी भाषा में अगर बोलें तो भेड़ बोलते हैं इसको। अच्छा, भेड़ ही बोलते हैं जी। भेड़ बोलते हैं। ठीक है, और भी आइए देखते हैं हम लोग जी। ये सिंग वाले भी आते हैं जी। इसमें सिंग वाले भी हैं, बड़ी नस्ल में सिंग वाले भी इसमें। ये बच्चा, ये 3-4 महीने का बच्चा है। पूरा गुलाबी आता है जी जी। इस पे हमने ये कलर चेंज किया हुआ है जिसमें पहचान होती है। बहुत सारा माल है इसमें, पहचान होगी इसमें जी। ये बड़े बकरे दिखाइए ना आपके जी। ये बड़ा बकरा सबसे ये वाला है। ये छोटा ये वाला है, उससे छोटा ये वाला। तीन है जो अभी मारे हमारे पास। नस्ल के लिए सिर्फ 2-3 बकरे ही रखते जी, हैं ये यही 3 रखे हुए हैं। तो एक और भी है, ब्लैक कलर में भी है, वो इधर बैठा हुआ है। बच्चे ही हैं, 2 साल का होगा तो 2 या 3-4 साल का बड़ा है। बाल और लंबे हो जाते हैं ना? बाल 2-3 महीने लग जाते हैं। जैसे ये काटा हमने पीछे के रखे हुए जी। ये पहाड़ वहाड़ पे आराम से चढ़ जाते हैं। ये खतरनाक से खतरनाक पहाड़ी पे चला जाते हैं। तो ये शिप है इसमें हमारी, ये भेड़ है। ये देखो सिंह वाले जी, ये भी सिंह वाली छोटी है अभी। तो इसमें बड़े सिंग वाले भी हैं, नर भी है इनमें एक। दिखाना ना। तो नर भी है। ये इधर बैठा हुआ है, 2 साल का बच्चा है ये। 1 साल का जी। ये नर है जी। हाँ, एक सर ये भी होगा नर। ये हमने इसको खस्सी कर दिया अपनी बात। ये नर था, इसको हमने खस्सी कर दिया। हाँ जी जी। ये रखा हुआ है अभी। तो दूसरी भेड़ अभी हमारी उधर है, 2-3 से भेड़ है ना, उसका बच्चा है जी। इसकी टांग लगी अभी। ये भी है हमारा, उसके भी है और हाँ। इधर भी है। पहले यहाँ देख लेते हैं जाते वक्त। ये हमने छोटे बच्चों के लिए बनाया है, इसमें छोटे हाँ। बच्चे रहते हैं। छोटे बच्चे, ये बकरों के छोटे बच्चे जी। बिल्कुल, जो ये छोटे बच्चे वो जो खेल रहा है उसी के लिए बनाया हमने। ये बहुत अच्छा कलर है और छोटे बच्चे का जी। कलर इसमें बहुत किस्म के हैं। कितने बच्चे दे देती है बकरी एक टाइम? ये 2 भी देती है कोई में, तो ज्यादा एक ही देती है। साल में हम एक ही मरतबा इनको लगते हैं, नर अलग कर देते हैं बाद में। आप लोग जानबूझ के साल में एक ही बार ब्रीडिंग करवाते हैं? एक ही मरतबा होते हैं। 2 मरतबा हो गई हमारी पहाड़ी में, ये कामयाब नहीं रहते, वहाँ में बहुत ही खराब एरिया होता है, गिर जाते हैं बच्चे, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं जी जी, इतना बड़ा नहीं होगा। ठीक, अभी हम लोग मेंढो के, भेड़ों के कंपार्टमेंट में आ गए ना। कितनी भेड़ हैं आपके पास? ये इसमें अभी है, ये इसमें 180 के ऊपर ही है। अच्छा, बच्चे लगा के बड़े तो 180 से। अच्छे बाल हो जाते होंगे ना आपने के बाल काटे हैं? हमने 10 दिन पहले, 15-20 दिन पहले काटे हुए हैं, क्योंकि ठंडियां जा चुकी हैं। ठंडी आ जाती है, गर्मी में ज्यादा ये हो जाती है। ये भी साल में एक ही बार बच्चा देते हैं जी? एक ही मतलब देते हैं। तो आप बेचते भी हो भाई? जी जी, हम इनमें बिक्री करते हैं, जब जैसे मतलब ये साल का भेड़ू हो गया हाँ। बिक्री करते हैं ईद पे। अच्छा, एक साल का, बीच में भी बेच देते हो किसी? बीच में कभी ऐसे ये बीमार या कुछ बीमारी इनको आ जाए, ऐसे कमजोर हो गया उसको बेच देते हैं। किसी को शौक करने के लिए खरीदना जी, है तो देते हैं, हम दे देते हैं इसमें। तो क्या भाव में, जैसे छोटा बच्चा कितने में बेचते हैं? तो भाव इसका अगर लेना होगा किसी ने तो 4,000 में, तो जब इससे थोड़ा बड़ा होगा 5-6,000 में। अच्छा, और सिंग वाले का भी वही भाव है? अच्छा, सिंग वाले का अगर शौकीन नहीं होगा 6-7,000 इतना ही है इसके ऊपर, कोई ले जाता है। जैसे बैठा है अभी एक ये जी जी सिंग वाला, ये कितने का है? जो ये बैठा हुआ है तो इसको अगर आज हमने देना होगा तो 7-8,000 में चला जाएगा।
ये वाला, ये तो 10-12 हज़ार में जाएगा, ये वाला जो बड़ा है, ये नस्ल के लिए रखा हुआ है। माशाल्लाह, ये अभी ब्रीडिंग कर रहा है आपके यहाँ? जी, तो ये अभी छोटा बच्चा है, ये साल के अंदर हो गया है ये भी। तो ये आपके यहाँ की नस्ल है ना कश्मीर? जी, ये यहाँ की नस्ल है। ऐसा क्यों, किसी में सींग है किसी में नहीं? ये तो इनमें से जो इनका नर होता है बड़ा, जैसे इसके इसके बच्चे लगेंगे सींग वाले, क्रॉसिंग कराते रहते हैं। ये आपस में लड़ भी लेते हैं क्या? लड़ते भी हैं, तो वो वाला भी है अभी एक, तो हमने मोने भी रखे हैं, सिंह के बगैर भी नर रखे हैं। हाँ, ताकि वो लड़ाई ना हो। लड़ाई ना हो उसमें तो। वाह, ये वाले भी दो नारी है, मतलब के बड़े थे, हमने अभी बिक्री कर दिया कुछ दिन पहले। तो बड़े बड़े हो जाते हैं। ये इनमें ये भी नर हमने रखा हुआ, साफ हमारे में से ये वाला, ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल की है। ऑस्ट्रेलिया की नस्ल है। इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि आपके बाकी मेंढे भी बच्चे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की नस्ल से बहुत मेल खा रहे हैं। जी जी, मेल खा रहे हैं। उसमें हमने नारा जो बड़ा था बिल्डिंग के लिए, वो हमने नारी ऑस्ट्रेलिया वाला ही रखा था, बाद में थोड़ी सी क्रॉसिंग हो जाती है, जे एंड के की भी है इसमें, तो क्रॉस हो गया ये नस्ल, थोड़ी क्रॉस है। ये नस्ल को क्या बोलते हैं पता आपको, ऑस्ट्रेलिया की नस्ल को? हम तो वो कुछ अच्छा ही नाम है, हम अपनी ऐसा कुछ नाम है, पर हाँ नहीं, आप सही बोल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया की नस्ल है। जी जी, ऑस्ट्रेलिया में कहते तो यहाँ बिक जाती है, यहाँ मिलती है ना सर? जी, यहाँ में मिलती है, ये शिप लेवल आते हैं, शिप वाले जाते हैं। हाँ जी, माशाल्लाह। और मतलब ये चढ़ते हैं, अपने आप खाते हैं, आप लोगों से साथ में रहना? जी जी, सही, साथ में निगरानी के लिए रहते हैं कि कहीं किसी को कोई शेर या मतलब कोई अटैक नहीं कर जाए, ऐसे चढ़ते खुद ही। जानवर वगैरह सब रहते हैं? जी, जानवर भी इसमें, शेर सब कुछ चीज़ रहती है, बहुत नुकसान भी होता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। किसी को खरीदना है तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं ना? जी जी, हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पर अभी आप आगे चले जाओगे वादियों में? तो जी, अब कश्मीर में चला जाएंगे हम, तो उससे बाद हम बाद में आते हैं, हमें नवंबर दिसंबर के लगभग इसी एरिया में होते हैं हम, तो इसी में आ जाते हैं। मतलब वो खरीदना है तो नवंबर दिसंबर में आओ? तो आज भी आ सकते हैं, कोई 20 दिन या 25 दिन के। अच्छा, 20-25 दिन और रुकोगे? अभी है तो 20-25 दिन, अभी इतनी ज़्यादा जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो हम अपना रुख कर लेंगे। आओ यहाँ से चलते हैं। जी जी, खाने में ये अपने आप खाते हैं? जी जी, कभी 2 महीने हम इनको काट के खिलाते हैं, ये पेड़ पत्ते छत्ते, तो बाद कोई बाद में खुद खाती हैं, जब पहाड़ में 7-8 महीने ये खुद खाती हैं, अपने मुंह से ही खाती हैं जो ज़मीन में होगा। वाह, इस पे ये निशान है। निशान आ गया ना? जी, कितना प्यारा निशान है। ये भी एक नर है ना? जी जी, ये भी नर है, अभी बच्चे साल के मसा हुए कभी। वाह, ये बच्चा भी बहुत प्यारा है। जी जी, अभी छोटा ही है ये। उधर जो आपने पहले देखा उसमें अभी आज रात का भी एक बच्चा हुआ है। अच्छा, वही है बच्चा? जी, देख लेंगे। वाइट आइज, ये सफेद आंख में ना? जी जी, ये सफेद आंख में ऐसा आ जाता है। हाँ, वो भी माँ भी है, भी उसी न, उसी का बच्चा बहुत है। ये भी है? जी जी, ये भी है, बीच में हाफ है ये जो इसी की नस्ल में। तो जो बड़े बकरे देखे थे अपन ने, वो कितने तक मिल जाते हैं? तो उसमें 22-23 हज़ार में जो बड़ा बड़ा देखा वो मिल। अच्छा, ऐसे हमने कहीं बिक्री भी की है। और ये बकरी और बच्चा, ये लेने होंगे तो 12 हज़ार में ये मिल जाएगी जोड़ी। जोड़ी, माशाल्लाह, बहुत प्यारे। आपका एक बार फ़ोन नंबर बोल दो ना। मेरा नंबर है 9906063132528। एक मिनट इनको बोल दीजिए। 9906063030 ठीक है जी। ठीक, शुक्रिया। किसी को कांटेक्ट करना होगा तो कर लेंगे।
माशाल्लाह। होपफुली आप लोग का शौक अच्छा हुआ होगा। आप देखिए, मीन्स दिस इज़ द क्वालिटी इन इंडिया। चेहरा नक्शा देखिए आप। कश्मीर भी आ गए हम लोग। इसकी सिंग देखो आप, फीमेल है। अच्छा नर लग गया तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये देखो 4,000 से 5,000 रुपये में वाइट आइज में फीमेल देखो। इससे हम पंजाबी मेल लगाएंगे हैदराबादी। इनकी अभी तक ज़्यादा क्रॉस ब्रीड नहीं हुई है भाई। जो ये बड़ी बकरियां हैं, इनके बाल भी बिकते हैं क्या? जी बाल भी बिकते हैं, 40-50 रुपये केजी बिक जाते हैं किसी सीज़न में। कश्मीरी ना जी, और कश्मीर में टाट बनती है, कई ऐसी चीज़ें बनती है। जो इनकी जो बनती है टाट, बहुत गर्म होती है ना? जी जी, ये भेड़ की तो बहुत ही गर्म होती है, जो बकरी के लिए ये बिठाने में काम आती है, तो इसमें लोगों को बिठाने। जी जी, बहुत बढ़िया। इसकी सिंग देख। आप जब जंगल में जाते हो तो मैं सुना है जंगली नस्लें भी आ जाती हैं खाने बकरी? जी, उसमें हम पहाड़ पे जाते हैं, वो होती हैं जंगली नस्लें में बकरों के ना, बड़े बड़े सिंग वाले, मारखोर जैसा। जी जी, जो पहाड़ पे बर्फ है तो उससे भी आप लोगों की बकरियों क्रॉस हो जाती हैं? कभी होती है, कभी हुई थी पहले में। तो वो नस्ल है आपके पास? नहीं, वो नहीं थी। आज से पहले 2 साल थी, 1-2 बकरे थे, वो बेच दिए। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलकर। आपका नंबर दे देंगे हम लोग। जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। फिर मुलाकात करेंगे इनसे। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको मज़ा आया होगा। ये देखो, ये एक चीज़ दिखाने, इसमें हर एक कलर होगा, कोई कलर ऐसा नहीं जो इस बकरी में नहीं है। इनमें कैसे कान कभी छोटे रहते कभी बड़े, ये क्या मसला है? ये तो इनमें किसी के बिल्कुल छोटे हैं, किसी के लंबे हैं, किसी के हर साइज के कान भी होंगे इनके। नस्लें जो समझो, बस ठंडी के हिसाब से बाल लंबे हो गए। जी, ठंडी में अब आएंगे तो उनको हम ज़्यादा गर्मी में आते हैं, जैसे इसको हमने काट दिए, इनके नहीं काटे हैं, तो जितनी इनकी ताकत आएगी है ये इसमें होगी प्रोटीन, तो उसी की वजह से हम इनको रखते हैं कि जी ज़्यादा ये गर्मी में, इसकी सिंग देखो, सर्दी में नहीं रहती। बहुत बढ़िया। आइए, मैं देखा बहुत सफ़ेद आँख की बकरी है आपके पास। आँखें वाली बहुत सफ़ेद है किसी की। ये कुदरती है बिना? जी जी, ये कुदरती, इसमें कोई ऐसी, कोई आए तो ज़्यादा माल भी मिल सकता है यहाँ से? जी जी, जैसे एक आध गाड़ी भर के लेके जाना हो बम्बई दिल्ली, मिल जाएगा, मिल जाएगा। आपसे कांटेक्ट करेंगे? हाँ जी जी, हमसे कांटेक्ट हो जाएगा, जितना मर्जी माल चाहिए हम दे देंगे। ठीक है, तो अगर कोई आता है जी जी तो आप भेज देना। जी सर, मेरे लिए एक मेंढा भेजना सिंह वाला, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर कोई बॉम्बे वाला है दिल्ली वाला है तो। बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए अल्लाह हाफिज़। कौन सा आपका?